एक्टर कैन बी मेड, और जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है, जाना है, किया है, जब मैं एनएसडी आया था तो बिल्कुल बेवकूफ था। एक्टिंग क्या है मुझे आती नहीं थी, एक्टिंग उस तरह की आती थी जो हमारे लोकल्स में रामलीला करते हैं या कृष्ण लीला करते हैं या लाउड एक्टिंग जिस तरह के, वो सब आता था हमको तो। और ये जो मेरे क्लासमेट्स थे, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, कविता चौधरी, अनंग देसाई, ये सब प्रॉपरली अच्छा थिएटर करके आए थे तो उनको आता था कि क्या करना है थिएटर ऑन स्टेज, तो उनके आगे मैं बिल्कुल दब्बू बन जाता था। तो मैं बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठता था, लास्ट बेंचर था। और ये पूरे साल ये सिस्टम बना रहा कि मैं लास्ट बेंचर ही बना रहा, सिर्फ लास्ट। उस साल एक पहले साल के जब 3 महीने बचे तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने ऊपर कौन कौन से चीज़ों पर काम करना है, कौन क्या मेरे एसेट्स हैं और क्या मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे 9 महीने के बाद मालूम पड़ा। तो उन 3 महीनों में मैंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, मेरे डांस मूवमेंट्स, मेरा मेकअप, वहाँ जिस तरह की क्लासेस हुआ करती थी, डांस मूवमेंट्स की क्लास हुआ करती थी, स्वॉर्ड फाइटिंग की क्लास होती थी, योगा की क्लास होती थी, म्यूजिक की क्लास होती थी, मेकअप की क्लास होती थी, इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा, संस्कृत क्लासिकल ड्रामा, इतनी सारी क्लासेस होती थी। तो मैंने अपने ऊपर वर्क करके जितनी भी क्लासेस थी लिटरेचर को छोड़ के, जो फिजिकल जो मैं जिनके ऊपर वर्क कर सकता था, अलग से अभ्यास कर सकता था, ये वही वाले जो ये पैशन होता था ना कि मुझे अव्वल आना है, तो उन 9 महीनों में मैंने बहुत सफ़र किया क्योंकि मैं फर्स्ट बेंचर था, फर्स्ट रो का व्यक्ति था और मुझे लास्ट में रहना पड़ रहा था। और चूंकि ये सब बहुत स्मार्ट भी हुआ करते थे और सब इंग्लिश उस मीडियम में पढ़े हुए पहुंचे थे, सब पैसे वाले थे ये लोग, तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, तो मैं लास्ट बेंचर था। लेकिन 9 महीने में मैंने अपने आप को फाइंड आउट कर लिया कि अभी मुझे किस किस पर काम करना है, और 3 महीने में मैंने अपने ऊपर वर्क किया, आवाज़ बनाई, बॉडी बनाई, डांस मूवमेंट्स, योगा, मेकअप, म्यूजिक, सब मैं वही लगा के, मतलब 3-3 घंटे, 2-2 घंटे लगे हुए अभ्यासों में, तो ऑलमोस्ट एवरी क्लास में मैं फर्स्ट रैंक में आ गया। सो लास्ट बेंचर से अभी मैं फर्स्ट बेंचर हो गया जब मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर किया। और इस तरह से मैंने अपने एक्टर पर काम करना शुरू किया। वो बिल्कुल ऐसे रिजेक्ट कर दिया था उन लोगों ने, इसको कुछ आता ही नहीं, ना डायलॉग बोलना आता है, ना ऑन स्टेज किस तरह से कैरेक्टर बनाते हैं, किस तरह से एक्टिंग करने आते ही नहीं। तो वो आपके उस प्रश्न के जवाब में मैं ये सब बातें बता रहा हूँ कि एक्टर कैन बी मेड, अगर वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि उसको काम करना है, अगर फोकस्ड हो जाए तो कर सकता है। इसमें वो सुर वाली बात नहीं है कि आपके अंदर सुर ही नहीं तो आप गा ही नहीं सकते। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी माइंड की क्लैरिटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर वो है तो आप इजीली ऑन स्टेज या बिफोर कैमरा एक्ट कर सकते हैं। तो एक्टर कैन बी मेड, उसको बनाया जा सकता है अगर एक्टर तैयार हो कि हाँ मुझे बनना है, और उनको एक करेक्ट टीचर मिल जाए। तो जन्मजात भी होते हैं और बनाए भी जा सकते हैं एक्टर। 78 से 90 तक मैंने रेपेटरी कंपनी के साथ काम किया, 78 से 89 तक, और 9 महीने मैंने कैजुअल, मतलब वहाँ से रेजिग्नेशन देने के बाद फिर 9 महीने, चूंकि मैं कई ऐसे नाटक में काम किया था जिसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था, तो मैं बार बार जाके उनके साथ उन प्लेस में काम करता था। तो इस तरह से 12 साल मैंने रेपेटरी कंपनी में काम करने के बाद 89 दिसंबर में मैं बॉम्बे आ गया, जब मुझे लगा कि हाँ अब वो बात है
अब मेरे एक्ट में, मेरी एक्टिंग में वो परिपक्वता है, वो निखार है कि मैं किसी भी बड़े से बड़े कलाकार के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे ज़्यादा बेहतर एक्ट कर सकता हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। सो 90 में मैंने दिल्ली से बॉम्बे आया और पहली फिल्म जो मैंने साइन की वो थी केतन मेहता की सरदार पटेल। जो जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे दिल्ली से ही मेरा सिलेक्शन हुआ क्योंकि दिल्ली में काफ़ी मेरा नाम था, काफ़ी काम किया हुआ था मैंने, तो मुझे दिल्ली से कॉल आया था कि केतन मेहता साहब आपसे मिलना चाहते हैं, एक कैरेक्टर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है उन्होंने। तो फिर मैं दिल्ली जाके उनसे मिला और फाइनली ये पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की। और इसी दौरान, ये तकरीबन 4 साल चली है इसकी शूटिंग, उसी दौरान मिस्टर प्रहलाद नैनानी, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, डेविड धवन उनके लिए एक फिल्म कर रहे थे शोला और शबनम, तो उसी दौरान मैं उनसे मिला था प्रहलाद नैनानी साहब। तो शोला और शबनम के लिए उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया। सरदार पटेल को 4 साल बनने में लगे, वो 4 साल के बाद रिलीज़ हुई, शोला और शबनम पहले रिलीज़ हुई। सो पहली मेरी साइन फिल्म थी सरदार पटेल और पहली फिल्म जो रिलीज़ हुई वो थी शोला और शबनम। उसके बाद अगेन दिल्ली से ही कॉल आया कि शेखर कपूर साहब एक फिल्म बना रहे हैं बैंडिट क्वीन, और उसके लिए उन्होंने आपको सोचा है, आप प्लीज़ उनसे मिल लें, वो बॉम्बे में ही पहुँच रहे हैं कल, और उनसे बैठ के तय कर लें कुछ है उनके मन में आपके लिए। तो वो दूसरे दिन मैं उनसे मिला है बॉम्बे में ही, और थोड़ी बात बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप फिल्म के खलनायक हैं, बैंडिट क्वीन फिल्म के खलनायक हैं, मेन विलन। तो मतलब दिल खुश हो गया, शेखर कपूर जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ। तो बहरहाल बैंडिट क्वीन हमने वहाँ चंबल में शूट की, और बैंडिट क्वीन का इसलिए मैं ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ कि बैंडिट क्वीन फिल्म बनने के बाद मेरा नाम बॉम्बे आया। बैंडिट क्वीन बनने के बाद जब वो कंप्लीट हुई, उस दौरान भी काफ़ी, चूँकि शेखर कपूर मेनली बॉलीवुड के हैं रहे, तो चर्चा होती है कि कौन कौन कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, कैसा है, नए एक्टर्स कैसे हैं, तो जिक्र मेरा पहुँच गया था बॉम्बे। उसके बाद जब कंप्लीट हो गई फिल्म, उसी दौरान आरके फिल्म्स वाले प्रेम ग्रंथ नाम की एक पिक्चर कर रहे थे, तो तकरीबन 7-8 महीने शुरू हो चुकी थी फिल्म, 7-8 महीने हो चुके थे, सिर्फ एक कैरेक्टर था जो उन्होंने कास्ट नहीं किया था मेन विलन फिल्म का, और वो चाह रहे थे कि कोई नया एक्टर मिल जाए, वो चाह रहे थे कि कुछ नया चेहरा हो लेकिन हो थोड़ा दमदार एक्टिंग करने वाला, तो वो उनको मिला नहीं था तब तक, 8-9 महीने हो गए थे। तो अनुपम और ओमपुरी साहब उनके साथ शूटिंग कर रहे थे, तो उनमें से ओम जी ने वो फिल्म देखी हुई थी, तो ऐसे जब उनके बीच में ऐसी बातचीत चल रही थी शूटिंग के दौरान, तो ओम जी ने कहा कि उसमें उस फिल्म में कई लोग हैं, कई एक्टर बहुत अच्छे हैं, और एक उसमें मेन विलन किया है, उस एक्टर को देख लो आप, मिल लो एक बार। तो उन्होंने किसी तरह से व्यवस्था की कि वो फिल्म देखी और उसमें मुझे देखा, फिर मुझे तलाशा गया, मुझे कॉल किया गया, और जब मैं पहुंचा तो उनकी शूटिंग चल रही थी और सब लोग वहां पर उपस्थित थे, ओमपुरी, अनुपम खेर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर। तो पहुंचे तो सब, अनुपम खेर ने मुझे मिलवाए क्योंकि हम लोग क्लासमेट हैं, तो मिलवाए कि ये ऐसे ऐसे। तो थोड़ी देर बात करने के बाद फिर रणधीर कपूर ने बुलाया, दो तीन बातें की, और उन्होंने कहा कि हम कई दिनों से तलाश कर रहे थे इस फिल्म के विलन के रोल के लिए कोई किसी एक्टर की, और वो तलाश आज ख़त्म हुई है और वो रोल आप कर रहे हैं।
सो दिल बाग बाग हो गया मुझे. पहले तो एक तो समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि आर के बैनर बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी, मतलब टॉप मोस्ट बैनर में से एक रहा है आर के बैनर. सो वो बैंडेड क्वीन की वजह से वो फिल्म मिली, और जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई प्रेम ग्रंथ, उस फिल्म से सिर्फ मुझे फ़ायदा हुआ, बाकी सबको नुकसान हुआ क्योंकि फिल्म चली नहीं. उस जब वो फिल्म रिलीज हुई, प्रीमियर हुआ, उसके दूसरे दिन सेकेंड डे ही 4 बड़ी फिल्में मैंने साइन की, कमर्शियल फिल्म्स. सो और उसके बाद फिर सब कुछ ऐसे चल पड़ा कि मुझे कभी पीछे देखने का अवसर मिला नहीं. वो पहले नरेशन में मालूम पड़ जाता है, जब डायरेक्टर नरेशन देता है या राइटर नरेशन देता है, तो उसी समय भी मालूम पड़ जाता है कि क्या उसका स्ट्रक्चर बनने वाला है कैरेक्टर का, और उस स्टोरी लाइन में उसकी कहाँ प्लेसिंग होने वाली है, और मैं उसमें क्या कलर भर सकता हूँ, ये सब दिखाई दे जाता है पहले ही उसमें. सो उसी हिसाब से फिर मैं या तो एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता. तो ये रहा है कि कोशिश ये रही है कि बेहतरीन लोगों के साथ बेहतर काम करूँ, उसके लिए अच्छे कैरेक्टर्स जब सामने आते हैं तब मैं करता हूँ, जब नहीं आते हैं तो नहीं करता हूँ, मना कर देता हूँ, सॉरी नहीं कर पाऊँगा. बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि ये जब मेरी ये फिल्म आई प्रेम ग्रंथ, तो कई लोगों ने ऐसे कैरेक्टर के लिए भी अप्रोच किया कि उसमें डैनी साहब मेन विलन हैं और आप सेकंड विलन हैं, या प्रेम चोपड़ा साहब उसमें विलन हैं और आप सेकंड विलन हैं. तो मैंने कहा कि मैं ये रोल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इस तरह के काम करने के लिए. मैं करूँगा तो मैं मेन विलन करूँगा, नहीं तो सॉरी कोई बात नहीं. तो इस तरह से कई फिल्में मैंने छोड़ी, और फाइनली वो एक ट्रैक मिल गया जहां लोग मुझे अच्छी तरह से कंसीडर करने लगे.